नमस्कार दोस्तों, NISM रिसर्च एनालिस्ट के एपिसोड नंबर 6 यानी शेयर मार्केट की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त राकेश अग्रवाल। दोस्तों, NISM की कई प्रकार की एग्जाम्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की, और सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो आप पास करने के बाद एक अच्छे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सिंपल क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंडस्ट्री वेयर राइवलरी इज हाई, द एंड रिजल्ट विल बी, फिल इन द ब्लैंक्स है, प्राइसिंग पावर एंड फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, इनकम्स फॉर द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। देखिए, इस प्रश्न में दो फिल इन द ब्लैंक्स है यानी दो आंसर का कॉम्बिनेशन है कि एक इंडस्ट्री जहां पर रिवाइलरी हाई है उसमें वहां पर प्रोडक्ट का प्राइसिंग पावर और इनकम क्या होता है। तो यहां पर चूंकि रिवाइलरी हाई है इसलिए उसका रिजल्ट जो आएगा वो लोअर, और प्राइसिंग पावर का रिजल्ट के बाद जो इनकम है वो भी लोअर होगी, यानी चार आंसर जो लोअर हायर लोअर लोअर हायर 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 लोअर में से जो सही उत्तर है वो है लोअर एंड लोअर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक फैक्टर इन पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में बहुत सारी बातें होती है, जैसे पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमिक्स की बातें होती है, इस तरह से आपको यहां पर इसको पेस्टल को पढ़ना चाहिए वर्कबुक में से, और इस आंसर को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ इस एपिसोड में भी हमने बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक फैक्टर इन पेस्टल एनालिसिस। नंबर ए, फॉरेक्स रिजर्व। नंबर बी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI। नंबर सी, कंट्रीज डिपेंडेंस इन अनदर कंट्रीज या अदर कंट्रीज इन टर्म ऑफ इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ सही उत्तर है ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 3 है, Who can exert a lot of pressure and dictate prices if there are large number of sellers with similar products and services? एक product और services में जब बहुत सारे supplier होते हैं, service provider होते हैं, तो वहाँ competition होता है। तो वहाँ price को कौन pressure करता है, कौन effect डालता है, इस question का ये मतलब है। तो यहाँ चार answer दिए हैं, number A seller, number B consumers, number C producers और D none of above। तो जब बहुत ज्यादा सप्लायर होते हैं तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है कंज्यूमर्स। तो आपको सही जो ब्लू कलर में दिखाया गया है इसी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज कंडक्ट परफॉर्मेंस इन सॉरी व्हाट डज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इन कंडक्ट परफॉर्मेंस यानी SCP एनालिसिस रिफर। SCP किसको रिफर करता है? ए, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को। बी, रिलेशनशिप अमंग द वेरियस प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री को। सी, मार्केट साइज को। तो यहाँ सही उत्तर है ऑल ऑफ अबोव। तो मित्रों, यहाँ पर आपको SCP समझना चाहिए, पेस्टल समझना चाहिए, इसको वर्कबुक में जरूर पढ़ें ताकि आपको और बेहतर नॉलेज हो। फिर भी हमने प्रश्न के माध्यम से सही उत्तर आपको बताया है। इस तरह आप NISM की रिसर्च एनालिस्ट की हमारे इन वीडियोस को देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ वर्कबुक को भी जरूर पढ़िए। मित्रों, अगर आप शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का भी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए हमारा शेयर मार्केट की पाठशाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारा एक कोर्स है टेक्निकल एनालिस्ट कोर्स, इक्विटी डेरिवेटिव का एक कोर्स है 1 वीक का केवल, यानी 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, परफेक्ट नॉलेज थ्रू विच यू कैन अर्न प्रॉफिट। सो इस 1 वीक के ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल प्लस फंडामेंटल सीख कर एक परफेक्ट रिसर्च एनालिस्ट बनकर या एनालिस्ट या एडवाइजरी का काम करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस का ट्रेनिंग लें। इसमें हम सिखाते हैं इक्विटी प्लस डेरिवेटिव प्लस निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी प्लस ऑप्शंस यानी कॉल एंड पुट की जो विभिन्न स्ट्रेटेजीज हैं वो, और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो ये टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स 15 डेज का है, जिससे आप एक परफेक्ट रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर बन सकते हैं। तो आइए मित्रों, शेयर मार्केट की पाठशाला में मैं इजाजत लेता हूं राकेश अग्रवाल। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8319272340 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर न्यू वीडियो।